मैंने नहीं, मैं थोड़ी करती हूँ किस, वो क्या होता है, एक लड़के ने मुझे लव लेटर लिख के दिया था और मैं ऐसे थी कि मैं मर रही हूँ यहाँ पे, पर आपको, और मैं उस बंदे को जानती भी नहीं थी। मैं बहुत ही ओल्ड स्कूल आशिक टाइप्स हूँ। मेरे हाथ में कोई डिसीजन था नहीं, मेरी मम्मी मेरे को जीन्स टी शर्ट पहना के लेके गई थी और वो भी पुराना सा टी शर्ट था। मुझे नींद आ रही थी तो मैं थोड़ा, मैंने बोला था पैकअप कर दो क्योंकि हमने कुछ 18 से भी ज़्यादा घंटे काम कर लिया था। ऐसे तो मेरे पास वो डब्बे फ़ोन्स तो थे बहुत पहले से, बट एक प्रॉपर स्मार्टफोन मुझे मिला था जब 2012 में मैं 6th स्टैंडर्ड में थी। हाय, मैं हूँ नविका कोटिया और अब मैं कर रही हूँ वो पहली बार सेगमेंट विद टेली चक्का। यू हैड अ प्रोफेशनल फाइट कभी पहली बार जब कभी हुआ हो आपके साथ? हाँ, एक बार उन्होंने मुझसे बहुत घंटे काम कराया था किसी सेट पे, तो मैं थोड़ा, मतलब मुझे नींद आ रही थी तो मैं थोड़ा, मैंने बोला था पैकअप कर दो क्योंकि हमने कुछ 18 से भी ज़्यादा घंटे काम कर लिया था इन अ फ्लो, बट ऐसे मैं नहीं झगड़ती ज़्यादा। द फर्स्ट ब्रांड यू परचेस्ड और इन्वेस्टेड इन टू? इन्वेस्टेड एज इन स्टॉक्स वाला इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया है मैंने। ब्रांड आई परचेस्ड, ऐसे ज़्यादा लग्जरी ब्रांड्स आई डोंट रियली परचेज, बट अगर होगा तो कुछ मेकअप रिलेटेड ही होगा, मैं क्या ऐसा कुछ खरीद लिया। यू डेटेड समवन फर्स्ट टाइम बैक इन स्कूल डेज? यू फेस्ड द कैमरा फर्स्ट टाइम? वो तो मुझे याद भी नहीं है क्योंकि मैं शायद 6-7 साल की थी। आई थिंक मेरा पहला एड था कॉम्प्लान के लिए तब, और अगर ऑडिशंस दी होगी तो, अगर वो भी काउंट होती है तो आई फेस द कैमरा फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ वेरी यंग किड। यू हैड अ हुकअप? हुकअप आई डोंट डू हुकअप्स, मैं बहुत ही ओल्ड स्कूल आशिक टाइप्स हूँ, मुझसे हुकअप्स नहीं होते, तो अभी तक तो नो फर्स्ट एंड आई डोंट थिंक सो कभी होगा भी। यू कम अक्रॉस एनी ऑफ योर फेक प्रोफाइल्स? हाँ, बहुत पहले जब नया नया इंस्टा चालू हुआ था तब ऐसे रैंडमली लोग बना लेते थे, नॉट नेसेसरीली बिकॉज आई एम फेमस और एनीथिंग, तब वो था लड़कियों की फेक प्रोफाइल्स बनती रहती थी तो आई यूज टू रिपोर्ट देम। यू अटेंड अ रेड कारपेट? हाँ, बचपन में व्हेन आई वाज डूइंग शोज तब जो होते थे टीवी के रेड कारपेट्स, तब किया था एक एग्जाम, स्पेसिफिकली याद नहीं कौन सा वाला था। जो भी आपको याद है अगर उसका, अगर लुक के बारे में कुछ आपको रिमेम्बर हो तो याद बता सकते हो? रेड कारपेट लुक, मैं बच्ची थी, मेरे हाथ में कोई डिसीजन था नहीं, मेरी मम्मी मेरे को जीन्स टी शर्ट पहना के लेके गई थी और वो भी पुराना सा टी शर्ट था, और मेरे मम्मी को बहुत बोला था एक नया टी शर्ट दिला दो, मम्मी ने बोला नहीं, और मैं से बट या ऐसा अभी तक कुछ डिज़ाइनर रेड कारपेट मोमेंट हुआ नहीं है मेरा, अब होगा शायद। पहली बार आपको फ़ोन जब मिला? मेरा पहला फ़ोन मुझे, ऐसे तो मेरे पास वो डब्बे फ़ोन्स तो थे बहुत पहले से, बट एक प्रॉपर स्मार्टफोन मुझे मिला था जब 2012 में मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, एंड आई नो वो बहुत जल्दी होता है बहुत लोगों के लिए कि 6th में स्मार्टफोन मिल गया, बट मेरे पेरेंट्स ने दिला दिया था, विज लकी। कुछ मेमोरीज है उससे जुड़ी हुई, मतलब? अरे बहुत मिला या फिर रोना धोना हुआ? उससे पहले ना मेरे पास एक फ़ोन था जो बड़ा अजीब सा, पता नहीं कौन सी कंपनी का था, तो उसका जो चार्जर था वो फ़ोन से निकाल के चार्ज होता था, मतलब उसकी बैटरी फ़ोन से निकाल के चार्ज होती थी, बड़ा वियर्ड सा था। तो फिर उसके बाद मुझे एक स्मार्टफोन मिला जिसकी बैटरी फिर ख़राब हो जाती थी, फिर दूसरा फ़ोन लिया वो टूट गया, तो पहले थोड़ा स्ट्रगल हुआ, फिर बाद में जब थोड़ी बड़ी हो गई तो अच्छे से संभालती थी मैं अपने फ़ोन, अब मेरे फ़ोन 4-4, 5-5 साल चलते हैं। फर्स्ट किस? छोटी थी मैं, बट जब मेरा पहला बॉयफ्रेंड बना था स्कूल में तभी। ओके, क्या है ये सब बड़े, मैंने नहीं, मैं थोड़ी करती हूँ किस, वो क्या होता है। फर्स्ट अबाउट ट्रिप? अब्रॉड ट्रिप, आई थिंक इंग्लिश विंग्लिश के लिए हम लोग न्यूयॉर्क गए थे, तो बिकॉज मेरा भाई भी उस मूवी में था तो बोथ ऑफ माय पेरेंट्स कुड आल्सो अकंपनी अस, तो हम चारों गए थे। हाँ, आई थिंक दैट वाज आवर फर्स्ट अब्रॉड ट्रिप, उससे पहले हम गए होंगे बैंकॉक या ऐसा कुछ, मुझे याद नहीं। बट पहली बार कभी आपको लव लेटर मिला या आपने किसी के लिए लिखा? मुझे बहुत लव लेटर्स मिले हैं और ऐसी ऐसी जगहों पे लव लेटर्स मिले हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं हॉस्पिटलाइज्ड थी जहाँ मैं ऑलमोस्ट कोमा में जाने वाली थी, 10 दिन तक मेरे हाथ में आईवी ड्रिप्स डले हुए थे, और वहाँ एक लड़के ने मुझे लव लेटर लिख के दिया था और मैं ऐसी थी कि मैं मर रही हूँ यहाँ पे, पर आपको, और मैं उस बंदे को जानती भी नहीं थी, लाइक आई डोंट नो हु ही इज वेयर ही इज राइट नाउ, बट वो बहुत वियर्ड था, और ऐसे बहुत इंस्टेंसेस हैं। ओके, कभी फैन से शादी का प्रपोजल मिला आपको पहली बार? हाँ, मतलब ऐसे स्वीट स्वीट से मैसेजेस आते रहते हैं कि आप हमारे क्रश हो या हमें आपकी जैसी लड़की चाहिए, आते रहते हैं। लास्टली
सेगमेंट के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना एंजॉय किया आपको, कितना? हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत सोचना पड़ता है, बहुत मेमोरी टेस्ट है ये, और कुछ सवालों के जवाब अगर घर वाले ना देखें तो अच्छा होगा. ओके, थैंक यू.